Your makeup application as a beginner might not be perfect. With a few more tips, you can achieve that. हो सकता है एक बिगनर होने के नाते आपका मेकअप इतना परफेक्ट ना हो, लेकिन कुछ टिप्स से आप वो भी अचीव कर सकती हैं। एक बिगनर के लिए मेकअप टिप्स बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ खोजने के लिए बहुत कुछ है और आपको इसमें कई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। इसलिए शायद एक बिगनर के लिए मेकअप करना एक चैलेंज हो सकता है। जब आप अपना मेकअप करती होंगी तो आप बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट के बारे में सोचती होंगी। आप सोचती होंगी कि मेरा मेकअप उनके जितना परफेक्ट क्यों नहीं हो सकता। तो आज मैं आपको मेकअप की कुछ सिंपल टिप्स दूंगी जिससे आप अपना मेकअप अच्छे से कर सकें। इन टिप्स के ज़रिए आपको पता चल जाएगा कि मेकअप करने के लिए मेकअप आर्टिस्ट होना ज़रूरी नहीं है, और इन टिप्स से आपका समय भी बच जाएगा और साथ ही आप अच्छी भी लगेंगी। तो मेरी फर्स्ट टिप है एयरब्रश विदाउट यूजिंग एन एयरब्रश। यदि आपको एयरब्रश मेकअप वाला लुक चाहिए तो इसके लिए किसी एयरब्रश की ज़रूरत नहीं है। आप ब्यूटी ब्लेंडर का इस्तेमाल कर सकती हैं एयरब्रश की जगह। वो बहुत ही लेस एक्सपेंसिव और रीयूजेबल होता है। अब फाउंडेशन अप्लाई करने के लिए एकदम परफेक्ट है। इट गिव्स द सेम इफेक्ट एज यूजिंग एन एयरब्रश। इसका वही सेम इफेक्ट होता है सेम एयरब्रश मेकअप जैसा। This will never crease up your makeup and leave brush streaks on your skin. इससे आपकी स्किन पर ब्रश स्ट्रीक्स नहीं पड़ेंगी और ये कई महीनों तक चलेगा बिना किसी रिप्लेसमेंट के। Now my second tip is face shape. ब्लश लगाने के लिए यह कोई सही तरीका नहीं है। बहुत से लोगों का मानना है कि ब्लश लगाने का सिर्फ एक ही सही तरीका है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो है आपके फेस की शेप पे डिपेंड करता है और इससे आपका लुक चेंज हो जाता है और आप अच्छे लगने लगते हैं। नाउ माय थर्ड टिप इज़ ब्लेंड योर फाउंडेशन आउटवर्ड्स। अगर आप फाउंडेशन को अपने फेस पर रब करके लगाएंगी तो ऐसा लगेगा जैसे आपने कोई मास्क पहना हुआ है या फिर जैसे आप अपने फेस को किसी चीज़ से कवर कर रही हैं। इससे क्रीज बन जाती है फेस पर। जब आप फाउंडेशन लगाएं तो उसे उन जगहों पर डबल लगाएं जहां आपको ज़्यादा कवरेज की ज़रूरत है और उसे अच्छे से ब्लेंड करें। ये बहुत ही सिंपल है। द मोस्ट कॉमन प्लेसेस वेर यू माइट नीड मोर कवरेज इज अंडर द आईज, द नोज, वेर यू हैव डार्क एक्ने स्पॉट्स एंड हाइपर पिगमेंटेशन। नाउ माई फोर्थ टिप इज प्रेप योर लिप्स। Make lips lipstick ready by using a baby toothbrush to exfoliate your lips. अपने होठों पर लिपस्टिक लगाने से पहले उन्हें टूथब्रश से जेंटली रब करें। अगर आपको इसकी साउंड पसंद नहीं तो आप शुगर स्क्रब बना सकती हैं। This will make your lipstick glide on your lips instead of skipping. स्क्रब बनाने के लिए एक टेबलस्पून ब्राउन शुगर में एक टेबलस्पून कोकोनट ऑयल और एक टेबलस्पून हनी मिक्स करें, और इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके आप अपने अपना स्क्रब बना सकती हैं। नाउ माय फिफ्थ टिप इज़ मेक योर आईज अपीयर बिगर। ये मेरी सबसे फेवरेट मेकअप टिप है और इसे मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। यदि आप लोग के पास वाइट या न्यूड लाइनर नहीं है तो एक ले लें फॉर द इल्यूजन ऑफ नेचुरली लार्जर और बिगर आइसेस। यदि आप अपनी वाटर लाइन को पर वाइट या न्यूड लाइनर लगाती हैं तो इससे लोगों को ये भ्रम हो जाएगी कि आपकी आंखें नेचुरली बड़ी हैं। नाउ माई सिक्स टिप इज़ रिमूव मस्कारा स्टेन विद ईज। यदि आप अपने आई लैशेज पर मस्कारा लगाती हैं और वो आपकी स्किन पर थोड़ा सा लग जाता है तो इसकी वजह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब वो सूख जाए तो उसे कॉटन बॉल से हटाएं। सूखा हुआ मस्कारा कॉटन बॉल से आसानी से हट जाता है। यदि आप मस्कारे को उसी वक्त छुटाने की कोशिश करेंगे जब वो गीला होगा, वेट होगा, तो आपका मेकअप खराब हो जाएगा या खराब हो सकता है। नाउ माई सेवन टिप इज द लिप चीट। यदि आप भी एंजेलिना जोली जैसे लिप चाहती हैं तो एक मेकअप ट्रिक अपना सकती हैं। Try a glossy lip color. Now my eighth tip is dye tinted moisturizer. ये
बीबी क्रीम जैसा ही होता है। आपको सिर्फ करना ये है कि आपको अपने फेस मॉइस्चराइज़र और कंसीलर को लेकर मिक्स करना है और इस तरह ये आपका होममेड टिंटेड मॉइस्चराइज़र बनकर तैयार हो जाता है। ये आप अपने फेस पर उन दिनों लगा सकती हैं जब आप फाउंडेशन नहीं लगाना चाहती हों। नाउ माय नाइन्थ टिप इज़ रीवैम्प योर मस्कारा। अ लॉट ऑफ पीपल हैव मेड दैट मिस्टेक इन द पास्ट। मस्कारा के जो वॉन्ड्स होते हैं उसे फेंकने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसे आप धोकर आईब्रो ब्रश की तरह इस्तेमाल कर सकती हैं। इससे आपका पैसा और समय दोनों बचेगा। नाउ माय टेंथ टिप इज 3D लिप इफेक्ट। यदि आपको अपने लिप्स पर 3D इफेक्ट चाहिए तो बस थोड़ा सा फ्रोस्ट या शिमरिंग आई शेडो अपने फिंगर्स पर लें और अपनी उस फिंगर से उस आई शेडो को अपने लिप्स के सेंटर पार्ट के टॉप और बॉटम लिप्स पर लगाएं। इट्स वेरी सिंपल येट एलिगेंट। नाउ माय 11th टिप इज यूज टेप बिफोर अप्लाइंग आई शेडो। दिस ब्यूटी एड विल हेल्प एंड गाइड यू टू इन ऑर्डर टू हैव अ फ्लॉलेस आई शेडो एप्लीकेशन। इससे आपका आई शेडो बहुत अच्छे से लग जाएगा। इससे दोनों आँखों के आई मेकअप में बैलेंस भी बना रहेगा और आपको इस बात की चिंता भी नहीं रहेगी कि आपकी एक आँख का मेकअप दूसरे से अलग है। नाउ माई 11th टिप इज यूज़ अ बिजनेस कार्ड और प्लास्टिक स्पून। जब आप अपने बॉटम आईलैशेस पर मस्कारा लगाएं, तो आप कोई भी बिजनेस कार्ड या प्लास्टिक स्पून यूज़ कर सकती हैं। इससे आपका मस्कारा आपकी आईज के नीचे की स्किन पर नहीं पड़ लगेगा। नाउ माई 12th टिप इज हाईलाइट। अपनी आंखों को बड़ा और सुंदर और हाइलाइटेड दिखाने के लिए हाइलाइटर का इस्तेमाल करें। आंखों के स्पेसिफिक एरिया को हाइलाइट करने के लिए वाइट पर्ल ऑफ क्रीम आई शेडो एकदम परफेक्ट है। अपनी आईज के ब्रो बोन, इनर कॉर्नर्स और सेंटर आईलेट्स पर हाइलाइटर को लगाएं, जिससे कि आपकी आईज हाइलाइट करें और आपका लुक ग्लैमरस लगे। नाउ माय 13th टिप इज डोंट पंप योर मस्कारा। पंपिंग मस्कारा इज व्हाट लिटरली एवरीबॉडी डज। आप मस्कारा को इन और आउट करते रहते हैं, इससे वो ड्राई हो जाता है और उसमें बबल्स बन जाते हैं। इससे वो क्लम्पी और ड्राई हो जाता है। इसके लिए आप मस्कारा को किसी भी गर्म पानी के मग में डाल दें, इससे वो लिक्विड हो जाएगा और इससे उसमें कोई एयर भी नहीं जाएगी। ये कुछ मेकअप टिप्स थी जिनकी वजह से मेरी मेकअप एप्लीकेशन की जर्नी अब मेरे लिए इजी हो गई है। अब जब भी आप नेक्स्ट टाइम अपना मेकअप करें तो इन टिप्स को ध्यान में रखकर करें। ये तो थी मेरी मेकअप टिप्स, अब आपकी क्या हैं ये मुझे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड रिमेंबर टू ऑलवेज स्टे ब्यूटिफुल। मैं आशा करती हूँ आप सबको मेरा वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद।